नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, आप इंडिया के चाहे जिस भी रोड पर, चाहे जितने भी सही तरीके से और लिमिटेड स्पीड में क्यों ना चल रहे हो, आपके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ट्रैफिक रूल्स से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, इसलिए वो आपका कभी भी नुकसान करवा सकते हैं और ये चीज आए दिन देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक सेफ और अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी है तो वो इस तरह के सिचुएशंस में या किसी भी तरह के खतरनाक एक्सीडेंट में अंदर बैठे लोगों को बचाने में पूरी हेल्प करती है, और ये भी आपने कई बार देखा होगा। आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी कुछ ऐसा ही है जिसे कई सारे न्यूज चैनल्स ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली जम्मू कश्मीर में टाटा सफारी और बस के बीच हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सफारी से उसके ओनर जम्मू पूंछ हाईवे से होते हुए जा रहे थे, तभी लंबेरी के पास सामने से आ रहे बस ने सीधा उनके कार को टक्कर मार दिया। यहाँ पर बताया जा रहा कि एक तरफ की रोड खराब थी, इसीलिए वहाँ बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे जिससे गाड़ियाँ एक ही साइड से होकर जा रही थी। हालांकि बस की स्पीड काफी तेज थी, इसीलिए ड्राइवर चीजों को जज नहीं कर पाया और एसयूवी को हिट करते हुए एक वॉल में घुसा दिया। टक्कर काफी जबरदस्त था जिसमें दोनों गाड़ियां काफी बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं सफारी का राइट साइड बोनेट बम्पर, व्हील फेंडर और ड्राइवर साइड डोर वगैरह के साथ डैमेज हो गया है। इसके अलावा लेफ्ट में भी काफी नुकसान आ गया है। वॉल के डायरेक्ट इम्पैक्ट से इधर का डोर पूरा टूट कर बाहर आ गया है, बाकी कोई और बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा। एसयूवी के एयरबैग्स ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि सामने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, और जैसा कि ये XT प्लस वेरियंट है तो इसमें कर्टन एयरबैग्स नहीं आते हैं। खैर, दूसरी तरफ बस की भी हालत काफी खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं एसयूवी इसको अंदर तक फाड़ते हुए चली गई है जिससे इसका राइट साइड फ्रंट बुरी तरह डैमेज हो गया है। बात करें पैसेंजर्स की तो इस एक्सीडेंट में सभी लोग बिल्कुल सेफ थे, सिर्फ सफारी के ड्राइवर को थोड़ी बहुत माइनर इंजरीज आ गई हैं। तो भाई, यहाँ पर आप एक अच्छे बिल्ड क्वालिटी वाले एसयूवी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं जो इतने बड़े व्हीकल से लड़ी है और उसको इतना डैमेज करने के बाद भी ये वैसी की वैसे ही सेफ है। मतलब ना गाड़ी के पिलर्स कोलैप्स हुए, ना इसका रूफ मुड़ा है और ना ही केबिन तक कोई डैमेज पहुंचा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा वालों ने इसको किस हद तक मजबूत बनाया है। और इससे पहले भी सफारी और हैरियर ने एक्सीडेंट्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि ये कंपनियां सेफ्टी के नाम पर सिर्फ एयरबैग्स नहीं पकड़ाती हैं बल्कि गाड़ियों को भी ऐसा मजबूत बनाती हैं कि वो रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में पैसेंजर्स को बचा सकें। आपको क्या लगता है सफारी और हैरियर के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, और क्या ये क्रैश टेस्ट होने के बाद अपने सेगमेंट की सबसे सेफ कार बन पाएंगी? कॉमेंट में बताइए।